क्वेश्चन ये जेई का क्वेश्चन है, तीन रिप्लाई आए हैं अभी तक, थोड़ा टाइम ले आप लोग। कोई जल्दी नहीं है, या ग्रेट स्टिल 29% आंसर्स आर करेक्ट, 38% आंसर्स आर करेक्ट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। और रिप्लाई चाहिए बिकॉज अभी तक सिर्फ 18 लोगों ने रिप्लाई किया और 33% लोगों का ही रिप्लाई सही है। हाँ बच्चों, थोड़े और आंसर चाहिए। ग्रेट अभी भी करेक्ट का नंबर इनकरेक्ट से ज्यादा है। चैट में भी कुछ कर बोल सकते हो, लेकिन क्या वॉइस लगी क्या? मैं तो म्यूट हो गया था। कन्हैया बिल्कुल सही है, कन्हैया अब लॉजिक बताना पड़ेगा। मैंने अभी अनम्यूट करके पूछूंगा, कन्हैया भागा क्या? कन्हैया हाँ, क्या आवाज लैग कर रहा है? ठीक है, मैं बोल ही नहीं रहा था इसलिए लैगिंग नहीं थी। ओके रूपाल, चलिए ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन था। और यहां पे देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम चैप्टर तो पढ़ते हैं लेकिन अपने को पुराने लॉजिक भी काम आते हैं कभी कभी। मैं ये कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का मैं अभी पोल आपको पोल के रिजल्ट शेयर करता हूं। आई थिंक वी हैव गिवन सफिशिएंट टाइम, 32 लोगों ने रिप्लाई किया है। पोल को एंड करके मैं उसके रिजल्ट शो करता हूं आपको पहले। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। 31% लोगों ने ए कहा है, बी किसी ने नहीं कहा, सी 8% लोगों ने, सी 25% लोगों ने कहा एंड डी 44% लोगों ने कहा। एंड यही इसका जिस्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो देखते हैं, सिंपल सा एक बात जानते हो कि जब वायर को स्ट्रेच करते हैं अपन, तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है, आप सब जानते हो कि सब सिंपल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्या अपन रियल, ये रिलेशनशिप ही अपना जिस्ट है। तो क्या नीचे लिख सकते हैं क्या, R इक्वल्स टू कुछ K टाइम्स कुछ भी है, पता नहीं, रो होता है, रो बाई एरिया, रो बाई वॉल्यूम होता है, जो भी है, R इक्वल्स टू K टाइम्स L स्क्वायर। कभी भी आपको ये कहता हो रिलेशनशिप, याद करो एरर चैप्टर, पहला चैप्टर, कि एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में कितना चेंज होगा। ये लॉजिक बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन एक्चुअली में एरर का भी क्वेश्चन नहीं है साथ साथ, यानी फर्स्ट चैप्टर का। तो क्या लिख सकते हैं, हमेशा लिखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज, आवाज थोड़ा म्यूट कर लें, आर इक्वल्स टू क्या होगा, पावर क्या है एल स्क्वायर पे, टू इंटू परसेंटेज चेंज इन एल। थोड़ा अगर याद करो इसका रिलेशनशिप, साइड में मैं लिख रहा हूं, तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू क्या था, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है, इनटू टू टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर है क्या? अगर ये टॉपिक इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज मैं एक और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं इसी को।
टू इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज 0.5% है तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा 1%। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सबको क्लियर है क्या? यूज योर चैट। और नहीं भी क्लियर है मैं एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा। शिवानी इस क्लियर, श्रेया इस क्लियर, बाकी लोग भी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी लेके समझाता हूं। अदिति अनिकेत ग्रेट, ठीक है चलो। फिर भी मैं आपको लगता है कि इसमें तो ये एरर वाला फॉर्मूला लगा दिया, बाकी जगह कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। ठीक है देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, समथिंग y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है कुछ a टू द पावर 3 b टू द पावर स्क्वायर 2 और c टू द पावर 3, ऐसा कुछ एग्जांपल ले लिया। अब मैं पूछूं कि बताओ अगर a b और c का परसेंटेज चेंज दिया है तो बताओ y का परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो सिंपल रिलेशनशिप लिखते हैं, सिंपल देख लो, परसेंटेज चेंज इन y इक्वल्स टू k में कोई चेंज नहीं होगा, a का पावर कितना है 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन a प्लस 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन b। कई लोगों को लगता है ना कि c में माइनस लगा देंगे क्योंकि पावर माइनस में, नहीं कोई पावर माइनस नहीं, प्लस 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन c। क्लियर है क्या? लगा लो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, सबको क्लियर है क्या ये, या क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, मॉड होता है बिल्कुल। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करो। अवनेश सबको क्लियर है? सुरुचि लॉग लेके, सुरुचि लॉग लेके नहीं कर सकते इसको। चलो तो क्यों ना नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो ये चलो आपका इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये तो याद करो थोड़ा, कलर कोडिंग कल शाम कल लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। लगता है बेकार टॉपिक, बड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, दिखाता हूं मैं अभी। ये सब क्वेश्चन यही के हैं। मैंने पोल शेयर कर दिया है, वो ना पूरा याद होना चाहिए, लिख लो ना नीचे में पेज पे लिख लो। देखो अभी तक 91% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, होपिंग कि सब लोग आंसर करें। ग्रेट, 15 में से 14 लोग आंसर सही आए हैं। सब लोग जल्दी रिप्लाई करते, सब लोग कुछ लिखो तो सही। अभी तक 23 रिप्लाईज आ चुके हैं।
थोड़ा और जल्दी, मैं पोल के रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। बट आई थिंक काफी टाइम हमने दे दिया इस क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन केक वॉक होने चाहिए हमारे लिए एग्जाम में। चलो पोल्स के रिजल्ट, पोल के रिजल्ट्स देखते हैं। स्टिल अभी 28 लोगों ने रिप्लाई किया है। ओके ठीक है, पोल के रिजल्ट मैंने शेयर कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। 47 मतलब वाई वी येलो वॉलेट, खत्म हो गया क्वेश्चन पहले में ही 47 में ही। अच्छा प्लस माइनस 4.7 है, 47 का 4.7 कितना है, 10% है। मुझे लगता है कि पहले दो में यह क्वेश्चन खत्म हो जाता है। करेक्ट आंसर इज बी। सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है? करेक्ट आंसर इज बी। दिमाग ही नहीं लगाएंगे। वैसे 4.7 आपको फंसा सकता था। 4.7 जो है वो 47 का 10% है, तो टॉलरेंस 10% है, तो गोल्ड सिल्वर, सिल्वर होगा। क्लियर है? चलो ग्रेट। ये भी जेई का क्वेश्चन था और ये सब क्वेश्चन में ट्रेंडिंग क्वेश्चन पिछले 2-3 साल के दे रहा हूं और हर साल कम से कम दो, हर पेपर में दो क्वेश्चन कम से कम करंट से रहते हैं, 2 से 3 जा सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी बताओ, इसका भी आंसर जल्दी चाहिए एकदम। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। Yeah, launched. Oh, still बहुत variation answer में। लगता है आप unit से mark कर रहे हो। थोड़ा संभल के। Not satisfactory. Response satisfactory नहीं है, थोड़ा और संभल के। मुझे लगता है स्टिल ओनली 65% आंसर्स आर करेक्ट। यानी जो जेई में क्वेश्चन चाह रहा था, क्वेश्चन से मकसद था उसका, वो क्लियर हो गया उसका कि आप सिली मिस्टेक्स करें एंड यू हैव डन दैट। ट्वेंटी टू रिस्पॉन्स विथ 14 करेक्ट, 64% आंसर्स आर करेक्ट।
चलो अब किसी ने एनोशन ऑन किया है। चलो एक काम करता हूं, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, रिजल्ट शेयर करता हूं, बिकॉज लास्ट थर्टी सेकेंड्स इसमें कुछ है नहीं, क्यों गलतियां हो रही हैं। ओके एंडिंग द पोल, सो सी द रिजल्ट्स, ये रिजल्ट, यानी इस क्वेश्चन का जो मकसद था पेपर बनाने वाले ने वो मकसद अपना पूरा कर लिया, वो आपको कंफ्यूज करने में कामयाब रहा एटलीस्ट 11 लोगों को। ठीक है, कहां गलती हुई, बिकॉज नंबर्स को लेके तो कोई क्लैरिटी प्रॉब्लम था ही नहीं, कभी भी नंबर्स को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज हमारे पास बहुत क्लियर कट दिख रहा था, रेड मतलब वो 2 है, वॉयलेट मतलब वो 7 है, इनटू 10 टू द पावर ऑरेंज, रेड ऑरेंज, ऑरेंज का कितना होता है प्लस माइनस टॉलरेंस, गोल्ड सिल्वर कितना होगा 10%। अच्छा 27 इंटू 10 टू द पावर 3 को 27 किलो ओम नहीं लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं क्या, प्लस इनटू, सबको क्लियर है क्या, आई थिंक सबने, जितने लोगों ने सही आंसर दिया वो बहुत सिंपल तरीके से सोचा था, ये भी जेई का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी जेई का ही क्वेश्चन था, क्लियर कट है क्या, क्लियर है क्या। सो अभी तक का ऑब्जर्वेशन समझो, अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन ये आया है कि जेई में क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए इस टॉपिक से एज कंपेयर टू नीट, नीट में आपसे वो कैलकुलेशन कराना चाहता है, सो फोकस करें कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नीट में काफी करें। सौरभ दिक्कत है क्या कुछ, सौरभ एनी प्रॉब्लम, सौरभ सुमन ओके चलो अब होगा तो बता देना मुझे, खैर चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो अब ये तो बनना चाहिए भाई, ये तो मुझे ना इसका आंसर जल्दी चाहिए आपसे, फिर से जेई का क्वेश्चन है, उसी साल का क्वेश्चन है भी, प्रत्युष मैं क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं, मैंने कोशिश किया कि आज मैं पुराने टॉपिक्स को पूरा क्लियर करूं, मतलब जितना अभी तक पढ़ाया करंट में उस पर बेस्ट क्वेश्चन करो। नहीं मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया है, मैं पोल शेयर कर दूं, आप ये कहना चाहते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पोल शेयर कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस मीडियम पे थोड़ा नया हूं तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं जिन्होंने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, आज इवनिंग में भी क्लास मेरी ही होगी दिल्ली से, बिकॉज मोहित सर इज नॉट वेल टुडे आल्सो, इज नॉट वेल, हिज पेरेंट्स आर इज नॉट वेल, उनके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है, तो आज की क्लास भी मैं ही लूंगा, आज भी क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है स्टिल अभी 8 रिप्लाईज तो आज हम लोग शाम में भी मिलेंगे जेई वाले क्लास में 5 बजे के बाद, और नीट वाले 3:30 से। या रिप्लाईज इस पे भी आने चाहिए, पोल में भी शो होना चाहिए, अभी तक सिर्फ 15 लोगों ने रिप्लाई किया है, वॉन्ट मोर, सोचो इतना इजी टॉपिक है आपका और इस पे बेस्ड हर पेपर में या दो पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, 25% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा जेई में। और मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला ही नहीं, सिर्फ 3 साल के पेपर्स यूज किए मैंने अभी।
मुझे लग रहा है आप थोड़ी गलती कर रहे हो, थोड़ा संभल के। अभी तक मेरे पास 24 रिप्लाई आए हैं, स्टिल वेटिंग फॉर एटलीस्ट 10 मोर। प्रत्यूष, ये तो क्लियर है प्रत्यूष कि उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। जियो वाई है, जियो वाई, और अगेन गोल्डन। गोल्ड वाले में तो मुझे दिक्कत है ही नहीं। जियो वाई, जी क्या है? ग्रीन, स्टिल 27। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूं बिकॉज ये जरूरी है। पहले 70% लोगों ने वोट किया है, मैं शेयर कर दे रहा हूं आपको स्क्रीन पे पोलिंग रिजल्ट्स। सी दिस द रिजल्ट, स्टिल जो क्वेश्चन का मकसद था उसने क्लियर किया, स्टिल 35% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। यानी ये बेसिक क्वेश्चन आपको फंसा दे रहा है अपने यूनिट्स के नाम पे। आपको यूनिट्स, क्योंकि अगर याद नहीं है, अगर कलर कोडिंग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर यूनिट्स के नाम पे फंस रहे हो तो क्वेश्चन का एम क्लियर है। ठीक है, आई एम जस्ट रिमूविंग द शेयर। चलो तो देखते हैं, हमारे पास ओ है, ओ बोले तो ऑरेंज, ऑरेंज कितना होगा? 3। ठीक है, 53 × 10⁴ प्लस माइनस 5%। क्लियर है? अब 53 × 10⁴ है, क्या लिख सकते हो? 530 × 10�³। क्या ये 530 kΩ लिख सकते हैं क्या? 530 kΩ, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कई लोगों ने बी भी लगाया है, जस्ट ये गलती हो रही है यूनिट में। अगर 0.53 × 10⁶ करते तब सही था, पर ये 5.3 × 10⁶ है जो कि गलत है। क्या सबको क्लियर है? सर एक बार फिर से समझाइएगा ये वाला, मैं बता देता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि चलो देखते हैं, कलर यही है, सब लोग देख रहे हो जियो वाई। ठीक है, जियो वाई को देखो, टॉलरेंस तो क्लियर है। अब जियो वाई को अगर आप देखते हो, जियो वाई में अगर आप देखते हो तो जी क्या है, सबको पता है जी क्या है? 5। ऑरेंज क्या है? 3। पहला दो नंबर, पहला दो क्या होता है? नंबर होता है, इनटू 10⁴। तीसरा क्या होता है? वाई। वाई कितना है? 4। अच्छा, 53 × 10⁴ है। इसको अगर आप एक जीरो यहां से उठा करके, एक जीरो उठा करके यहां पे लेके चले आते हो अगर, तो क्या हो जाएगा? 530 × क्या बचा? 10�³। क्या इसको 530 किलो ओम लिख सकते हैं क्या? सर हम इसमें कैसे पता करेंगे कि ये 5 किधर से आया और 3? मैं सिंपल सी बात, 5 यार, लास्ट क्लास किया था कलर कोडिंग का। यस सर किए थे। तो मैंने क्या हर कलर का एक कोड बताया था? यस सर बताए थे आप। तो ग्रीन क्या है? जीओ वाई मतलब, जी मतलब क्या है? ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन का कलर, ग्रीन का डिजिट होता है 5, ऑरेंज का क्या होता है? 3, और येलो का क्या होता है? 4। क्लियर है? मैंने बताया था कि जो पहला दो कलर होता है, पहला दो कलर नंबर्स रिप्रेजेंट करता है, तीसरा कलर जो होता है वो पावर रिप्रेजेंट करता है, और चौथा कलर जो होता है वो टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। अब समझ में आ रहा है? तो जी सर एक बार फिर से बता दीजिए।
मैं कह रहा हूँ कि सिंपल मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी लोग सुन लो एक मिनट जल्दी से, किसको भी डाउट है इसमें तो ठीक है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं पूरी तरह इरेज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर मैंने बताया था लास्ट क्लास में। कलर कोडिंग क्या होता है, जनरली क्या होता है, चार कलर्स का कॉम्बिनेशन है ठीक है। मकसद क्या होता है, एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना ठीक है। तो जो इसमें चार कलर है, एक C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। तो C1 C2 जो होता है वो एक्चुअली में पहला दो डिजिट ऑफ नंबर होता है, C1 C2 दैट इज C1 और C2 इनटू 10 टू द पावर डैश। ये तीसरा जो होता है वो 10 टू द पावर शो करता है कितना होगा, प्लस माइनस ठीक है। फोर्थ जो होता है, C4 जो होता है वो टॉलरेंस शो करता है। टॉलरेंस मतलब कितना अप एंड डाउन हो सकता है, कितना ज्यादा या कम होने के चांसेस है, कितनी गलती होने के चांसेस है, क्लियर है। तो इस केस में अपने पास ग्रीन बोल रहा है, तो ग्रीन और ऑरेंज बोल रहा था पहले। ग्रीन ऑरेंज कितना हो जाएगा मिलके, 53 इंटू तीसरा कलर क्या है यहां पे, येलो, ये क्या होगा 4 प्लस माइनस। लास्ट कलर गोल्ड है, याद करो बताया था गोल्ड का 5% टॉलरेंस होता है, सिल्वर का 10%, क्लियर है। यूज कर लिया उसको, क्लियर है। अगर इसमें भी डाउट होगा तो हम क्लास के एंड में देखेंगे इसको ठीक है। चलो सो शुड वी मूव अहेड, बाकी लोग सो तो नहीं गए, बाकी लोग एक लास्ट क्वेश्चन कलर कोडिंग पे, एक लास्ट क्वेश्चन कलर कोडिंग पे, थोड़ा ना 10th क्लास का एक फॉर्मूला यूज कर लो। वैसे टॉपिक बताते, पावर का फॉर्मूला क्लास 10th वाला यूज कर लो, VI I² R ठीक है रजिया। चलिए जाके तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, और मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। ये थोड़ा सा कलर कोडिंग का अच्छा यूज है, सिंपल ही घटिया ही क्वेश्चन है भी, लेकिन चलो पोल लॉन्च कर दिया है। माइट बी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं नहीं एक और क्वेश्चन है। चलो, और सब कलर कोडिंग का यूज हो रहा है हर जगह। देखते हैं कितने लोगों से सही होता है। पावर दिया हुआ है और कलर कोडिंग दिया गया है। ग्रेट, पहला आंसर आ गया। देखो मैं भी इस मीडियम को लेकर इतना कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन डाउट सॉल्विंग के लिए बड़ा अच्छा मेथड है ये। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, पता नहीं मुझे चल रहा है कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। चार 4 रिप्लाईज आ चुके हैं। यस श्रेया, रिप्लाई आ चुका है आपका, माइट बी अनम, अनम रिप्लाइड। ये क्वेश्चन किया हुआ है क्या पहले? मैं पढ़ाया नहीं है मैंने, इसलिए मैं हिंट देता हूं, पावर का फॉर्मूला हिंट देता हूं। पावर इक्वल्स टू होता है VI, सोचा था आज ही बताऊंगा, इक्वल्स टू I² R इक्वल्स टू V² / R ठीक है प्रत्युष, बहुत अच्छा। अभी तक किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है अभी तक, ऑल रिप्लाईज आर 100% करेक्ट। पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें।
ग्रीन ब्लैक रेड मतलब तो निकाल लो, क्या रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? रेजिस्टेंस अभी तक 16 लोगों ने रिप्लाई किया है, चैट में बताओ रेजिस्टेंस कितना आया है। ऐसा क्या? चौथे कलर से कोई लेना देना ही नहीं है, फोर्थ कलर सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। ब्राउन का कोई मतलब नहीं होता है। चौथा कलर या तो गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा या तो नो कलर होगा। शिवानी सेइंग से जीरो होना चाहिए क्योंकि ब्लैक है। बिल्कुल शिवानी, आई थिंक करेक्ट होगा। क्या सबको रेजिस्टेंस आ गया? क्या सबको रेजिस्टेंस आ गया? अपने पास पावर दिया हुआ है, कितना है? 2 वॉट। क्या सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सॉरी, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वैल्यू पुट करो, 2 इक्वल्स टू आई स्क्वायर और आर कितना है? 5000। आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2500 आ रहा है क्या? तो क्या आई इक्वल्स टू 1/50 लिख सकते हैं अपन? क्लियर है सबको? मैं पोल को एंड कर रहा हूं और मैं पोल के रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। 73% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। और मैं जो गलतियों का टेंडेंसी देख रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि आई आ गया 1/50 एम्पियर, आई आ गया 1/50 एम्पियर, तो क्या हम लोग आई को लिख सकते हैं क्या? 0.02 एम्पियर। इसको अगर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 20 मिली एम्पियर। क्लियर है क्या सबको? 0.02 एम्पियर ऑप्शन में नहीं है, हमको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिली के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 मिली एम्पियर। क्या सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है देन वी कैन मूव अहेड। ये भी जेई का क्वेश्चन था, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, नीट का में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, बट सारे क्वेश्चन जेई नीट वाले ही थे और ये लास्ट 2 सालों के क्वेश्चन है। खैर, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। व्हीट स्टोन ब्रिज में जो रजिस्टर का रूल था, कैपेसिटर का रूल था, वही रजिस्टर के लिए भी रूल होता है, मैं नहीं बताऊंगा अब इसमें। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मैंने कैपेसिटर में बताया है तो रजिस्टर में अलग से नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन बनाना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करें, देखने में भले डरावना लगता हो। आई हैव लॉन्च द पोल।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अभी तक हमारे पास जो पोल के रिजल्ट्स आए हैं सिर्फ एक रिजल्ट आया है. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. सबसे अच्छा यूज है ये कलर कोडिंग का इन न्यूमेरिकल्स. इसको समझ में नहीं आ रहा है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है. मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है. सबको पता है आर्म्स जो होने चाहिए वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए. शिवानी हैज रिप्लाइड. शिवानी यू आर सेइंग रुचिका का आंसर आ चुका है. कन्हैया कन्हैया देखते हैं, कन्हैया वेट करेंगे. अभी तक मेरे पास सिर्फ 9 रिप्लाईज आए हैं. मैं इतना कह सकता हूं कि मेजॉरिटी रिप्लाई डी के तरफ है, बट सब में आए रिप्लाईज. एबीसीडी सब में कुछ लोगों ने फिल किया एकदम इक्वली. थोड़ा सा आप लोग बेहतर होगा, थोड़ा सा आप लोग टाइम दें. कोई जल्दी ना मचाएं. सबसे पहले R1 निकालो सब लोग. सॉल्व वॉल्व बाद में करते रहेंगे. R1 क्या है? ऑरेंज रेड ब्राउन. ऑरेंज रेड ब्राउन. इज इट 320 ओम? मैं साथ साथ हिंट करता चल रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं. आपके पास R2 R4 पता है पहले से ही. R2 आपके पास कितना है? 80. R4 40. चलो सॉल्व करते हैं फिर. R1/R3 बिल्कुल सही है. कन्हैया आपका किसी को दिक्कत हो तो बताओ. क्या R3 160 ओम आ रहा है आपका? क्या R3 160 ओम आ रहा है आपका? चैट, आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट. अगर R3 160 ओम अगर आ रहा है आपके पास, तो क्या 160 का 160 में पहला दो डिजिट निकाल करके इनटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं क्या? खास ख्याल रखें, ये पहली बार आप नंबर को कलर कोडिंग में बदल रहे हो. कलर कोडिंग को नंबर में बदल रहे थे अभी तक, अब नंबर को कलर कोडिंग में. सिंपल सी बात है, 1 ब्लैक ब्राउन, यानी 1 होता है ब्राउन. 6
ब्लू वन, ठीक है, ब्राउन. सो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली डी. 37 में से कुल मिलाकर के 17 लोगों ने रिप्लाई किया था इसमें सही, एंड खैर आई एम एंडिंग द पोल. चलो सो करेक्ट आंसर इज डी. चलो ये आज का सेशन जो था, मान लो ये डाउट सॉल्विंग सेशन था, इसको थोड़ा बंद रोकते हैं और मैं सिंपल से कुछ चीजें पूछता हूँ आपसे, ठीक है. अगर 100 निकालना होगा तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, रजिया ने पूछा है कि सर 100 का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे. बिल्कुल सही, क्या 10 × 10^1 लिख सकते हो क्या रजिया? ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है रजिया आपने. 100 को 10 × 10^1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है. किसी भी तरह का, किसी ने मान लीजिए मेरे से पूछा कि 1692 आ गया, इसको अगर अपने को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे. तो इसका राउंड नंबर क्या होगा ध्यान से संजना? 1700 लिख सकते हैं क्या? 1692 को क्या 1700 लिख सकते हैं राउंड ऑफ में? क्या अब लिख सकते हैं 17 × 10^2? तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टर्म्स में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कलर कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमको टॉलरेंस तो लेना ही पड़ता है वैसे भी. क्लियर है? खैर 17 है, 17. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सिंपल सी बात है, मैं आज क्या बात करना चाहता हूं कि आपने आज देखा कि जेई नीट के क्वेश्चन जो हैं, वो अपने दो दिनों के क्वेश्चन, दो तीन साल के क्वेश्चन किए. मैंने जो देखा कि सबके रिप्लाई जो है ना, वो 60% प्लस सब में रिप्लाई सही आया, मोर देन 60% 70%. तो कई लोग मेरे से सवाल पूछते हो कि सर किधर फोकस करें, जेई की तरफ फोकस करें और या बोर्ड की तरफ? क्यों ना सिंपल सी बात कहें कि पढ़ाई पे फोकस करें. जेई और बोर्ड्स कुछ नहीं होता है अलग. अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखते हो, अगर आपको कलर कोडिंग आता है, आप कहीं सॉल्व करोगे. बल्कि कलर कोडिंग बोर्ड्स में कम आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर जेई में इतना आता है. ये कलर कोडिंग एग्जांपल है. आप कल मैंने कई सेशन मैग्नेटिज्म का भी आप लोगों के साथ लिया था, और मैग्नेटिज्म में भी जितने लोगों ने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे. सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज सिंपल कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं. हम बेसिक के बजाय करिकुलम पे ध्यान देते हैं कि अच्छा ये इस ऐसे तैयारी करते हैं. तो मेरा सिंपल सा है, क्या सब लोग एग्री करते हो क्या इस बात से कि अपने को, अगर हमें फोकस, हमारा जो फोकस मेनली होना चाहिए वो टॉपिक पे होना चाहिए, ना कि एग्जाम पे होना चाहिए, ठीक है? टॉपिक जानेंगे तो एग्जाम क्लियर कर ही लेंगे. अभी मैंने सारे क्वेश्चन दिए, इतना रिस्पांस क्विक है आप लोगों का कि आप लोग सब बना पा रहे हो, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मैं इसीलिए क्लास में जेई और नीट को लेकर डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं आप लोगों को. डरने से ज्यादा आपके लिए जरूरत है कि समझना है कि मैं आसानी से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हम जो पेशेंस रखेगा वो जेई नीट क्रैक कर लेगा. पेशेंस रख लो थोड़ा सा, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होगा. आप जो पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन सारे बना ले रहे हो, और क्या चाहिए इसे? प्रत्युष इस टॉपिक के एडवांस क्वेश्चन भी मैं दूंगा, और इससे रद्दी लेवल का क्वेश्चन एडवांस का, ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले पूछेंगे बहुत ज्यादा. तो इसमें अगर कोई इसमें से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानना चाहता है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन, और उसमें से आपको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे या तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे. तो क्वेश्चन का लेवल किसी भी टॉपिक की बात कर रहा हूं, एक टॉपिक मत लो, आप सब टॉपिक की बात करो. कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई फंसा सकता अगर आपके बेसिक क्लियर हो, ठीक है? मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक होप देना चाहता हूं कि भाई हम सब जितने भी सेशन में जुड़े हुए हैं वो सब कैपेबल हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के, नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन. लेकिन अपने आप पे बिलीव तो रखना पड़ेगा. कई लोग बोलते हैं सर मैंने प्रिपरेशन छोड़ दिया, मैंने बोर्ड्स की तैयारी शुरू कर दी. भाई आप बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा बोलो ना. जब पढ़ाई करोगे तो आपसे बोर्ड्स के भी क्वेश्चन बनेंगे, जेई क्वेश्चन बनेंगे.
जेई के लिए आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टाइम ज्यादा देना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मैं हर चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं सिंपल सा मैं खुद इस मीडियम को लेके इक्विप नहीं था। क्या सिंपल सा ये यस और नो में बता सकते हो क्या? सिंपल यस और नो में बता सकते हो क्या क्या इस मीडियम में आप लोग कर पाओगे सेशन? अगर हम लोग डाउट सेशन रखते हैं काफी सारे I just started yesterday. अगर आप कर सकते हो देन वाई नॉट ये जेई नीट का दिमाग से अपने आदत निकालते हैं। लेकिन आई थिंक हमें तो आदत है, मुझे आदत नहीं है लेकिन ठीक है। बट आज फिर मैं क्लास लूंगा आप लोग की डेली से, ठीक है बिल्कुल। सो मेरी कोशिश यही होगी कि अब से अपन जेई नीट का डर हटाएंगे, सारे पुराने क्वेश्चन का डिस्कशन क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है। तीन क्लास रखते हैं और एक डीएसएस रख देते हैं हर वीक में। अमाम इज सेइंग बेसिक ऐसे। अमाम देखो मैं कोई भी नोट्स देता हूं अमाम, तो नोट्स में कभी भी मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ने की कोशिश नहीं करता, चाहे वो जेई का हो या बोर्ड्स का हो। कारण क्या है कि आपको बेसिक स्ट्रांग होगा तो बना लोगे, तो क्यों ना जेई वाले पोर्शन को आप देखो। बोर्ड्स जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं काइंडली गो थ्रू द नोट्स एंड आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछो। जरूरत पड़ती है आप बताओ मुझे कि सारा एक्स्ट्रा सेशन चाहिए, आप बता दो कब जूम पे ही सेशन दे दूंगा मैं आपको। बट ट्राई टू टेक टाइम ना, मेरे से ले लो आप, विकास सर से ले लो आप टाइम, किसी से ले लो, बट आप बताओ बस, मैं ये कह रहा हूं। क्लियर है? सो आई थिंक आज का हमारा सेशन प्रोडक्टिव रहा है, हमने काफी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया। बायो का लेकर, बायो का टेस्ट नहीं होगा लेकर, मैं बायो वाले सर से बात करके बता दूंगा चैप्टर फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। दोनों टीचर से मैं बात करता हूं, ठीक है। प्रत्यूष तुक्का, प्रत्यूष इज सेइंग, मैं सिंपल से एक सबके साथ एक बात लेना लेना चाहता था। प्रत्यूष या कोई किसी ने कहा मुझसे कि हम तुक्का बहुत अच्छा मार लेते हैं। एक्चुअली तुक्का नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। एक तो होता है ब्लाइंड कॉल होता है जो शुरुआत में उठा लेते हैं हम लोग, विद इन 10 seconds करते हैं, और अगर हम 25 से 30 seconds के बाद कोई आंसर लगाते हैं वो तुक्का नहीं है, बहुत तुक्का नहीं है, वो सोच समझ करके एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस होता है, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए एंड आई जस्ट होप कि आप उतना प्रैक्टिस कर रहे हो। खैर, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे। हम लोग शाम में फिर से मिलेंगे क्लास में, मैग्नेटिज्म के प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी जेई वाले में भी और नीट वाले में भी। होप आप वहां पे क्लास में आते हो, मोहित सर आज अवेलेबल नहीं है, मैं वहां पे क्लास में रहूंगा। चलो हैव अ नाइस डे, आज टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, अगले दिन फिर से टॉपिक को लेके पढ़ेंगे, ठीक है ओके। चलो हैव अ नाइस डे।